फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारा 27 नवंबर का बैच आज लास्ट डे है, फेयरवेल है। और 20 दिन से यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से दिन रात एक करके अभी तक मेहनत करें। रात में कब तक जाग रहे थे अपन? दो बज जा रहे, एक एक बज जा रहा, और सुबह से आके 8 बजे से भी बैठ रहे बहुत सारे बच्चे। सर्दी भी है बहुत सारी, हालांकि हैदराबाद में उतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, नॉर्थ में बहुत रहती है आपके यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो अभी भी नॉर्मल टी शर्ट पहन के है, स्वेटर जैकेट कुछ नहीं पहने, एसी भी लगा, एसी भी लगा लिया, देखो एसी भी खोल के है। तो ज्यादा रात में लेकिन सर्दी रह रही थी अपने को, दिन में नहीं रह रही उतनी। बाकी आज फेयरवेल है तो आज सर्टिफिकेट भी इनको देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक केक काट लेते हैं, फिर केक खाने के बाद में सर्टिफिकेट लेंगे, क्योंकि जो 20 दिन से मेहनत कर रहे हैं उसका एक छोटा सा सर्टिफिकेट क्या है भाई, एक छोटा सा रिजल्ट है, वो अपन दुकान में लगा लेते, कहीं भी रख लेते, मगर काउंटर पे तो अपने को काम करना रहता। सर्टिफिकेट भी है कि हम कुछ काम करें, कुछ टाइम निकाल के कुछ सीखे, लेकिन मेन काउंटर पे अपना हैंड स्किल, अपनी नॉलेज ही काम में आती। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ भाई आप लोग, एक बार सबके लिए जोरदार क्लैप्स कर दो। ठीक है, टाइम काटने का। नेक्स्ट है मोहम्मद इमरान सैयद के लिए जोरदार क्लैप्स। जरा स्लो आ रही आवाज इमरान के लिए, क्यों ना जरा। भाई कंग्रेचुलेशन, शुक्रिया सर। इमरान, दो अल्फाज बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, कोई आना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं जाके यहाँ पे आए, तो क्या अलग देख के आए, जो मिला कि नहीं मिला थोड़ा सा बताइए। ये इंस्टीट्यूट में आने का मकसद, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट में जो सिखाया जाता है उससे बहुत ही मुख्तलिफ अलग अंदाज में सिखाया जाता है यहाँ पर, और अच्छा सा सिखाया जाता है। जैसे कि हम भी देख रहे थे पहले बहुत दिनों से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना जाना जाना, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देख रहे थे। तो फोनफ्लिक्स में आने का मतलब ऐसा था कि यहाँ पर अलग अंदाज में और अच्छा सिखाया जाता है बहुत। तो इसको स्टडी किया हमने, 2-3 महीने देखे यूट्यूब पे, सब चीज़ें देखी, फिर उसके बाद तय किया कि फोनफ्लिक्स में जाना है। और फोनफ्लिक्स में आने के बाद फिर वो नॉलेज हमको उसी तरह से मिला भी है, और जाके अच्छा प्लेटफॉर्म पर काम भी करेंगे इंशाल्लाह और तरक्की करेंगे। तो जो पहले आपका लेवल था, अभी कितना चेंज हो गया आपके अंदर? पहले हमारा लेवल मतलब छोटे से काम कर लेते थे, बेसिक आईसी वगैरह, लेकिन अभी डबल डेकर हो, सीपीयू, ईएमएमसी, प्रोग्रामिंग हो, उसका सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, ये पूरी तरह से हम सीख गए हैं यहाँ पे, और जाके आप हमारा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जो सोच के आए थे मिला आपको? हाँ बिल्कुल, जो सोच के आए थे हम वही मिला है, या फिर उससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। वाह क्या बात है, एक बार इनके लिए 2000 क्लास। कुछ मराठी में बोलना चाहेंगे? एवढंच सांगू इच्छितो मी की तुम्हाला जर या फील्डमध्ये यायचं असेल आणि जे या फील्डमध्ये काम करतायत त्यांना आणखीन नॉलेज घ्यायचं असेल तर तुम्ही फोनफ्लिक्समध्ये 100% येऊ शकता आणि तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवू शकता। ठीक आहे, थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच। अच्छा ठीक आहे, चला। आणि विशेष म्हणजे ते कसं आहे, थेअरी, प्रॅक्टिकल आणि सॉफ्टवेअर हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट म्हणजे वेगवेगळे करून शिकवतात। सकाळी थेअरी शिकवली जाते, फिरोज सर शिकवतात, खूप बेसिक पासून ॲडव्हान्सपर्यंत शिकवतात ते, आणि खूप सोप्या भाषेमध्ये, सोप्या पद्धतीने आणि सर्वांना समजेल अशा भाषेमध्ये आणि अशा पद्धतीने शिकवतात ते। खूप चांगली शिकवणूक आहे त्यांची, त्या व्यतिरिक्त ते मार्केटचं पण नॉलेज वगैरे देत राहतात नेहमी नेहमी, आपण कसं करावं, कसं घडवावं आपलं आयुष्य किंवा आपलं भवितव्य कसं घडवावं हे पण ते नेहमी सांगतच असतात। त्यानंतर सागर सर आहेत प्रॅक्टिकल, प्रॅक्टिकलमध्ये कसं आहेत त्यांचे ट्रिक्स आहेत, खूपच चांगल्या ट्रिक्स आहेत, आणि ते ट्रिक्स जर आपण फॉलो केल्या आणि ते बघितलं आपण तर असे वाटेल की हे खूपच सोपं आहे, मोबाईल रिपेअरिंग खूपच सोपं असं वाटेल तुम्हाला, आणि ते तुम्हाला भेटेल, इथेच भेटेल। त्या व्यतिरिक्त
तौफिक सर जे आहेत सॉफ्टवेअरमध्ये तर खूपच छानच शिकवतात यांनी. सॉफ्टवेअर जेवढं अवघड वाटतं यूट्यूबमध्ये वगैरे बघून तुम्हाला, जे स्टेप फॉलो करताना मोबाईल हँग होतो किंवा मोबाईल डेड होतो किंवा मोबाईल बंदच पडतो तेव्हा तुम्ही काळजी करता की आता कसं करायचं, तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला इथे क्लिअर होतील. खूप तुम्ही कोणतंही मोबाईल बंद करणार नाही किंवा तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही हे तुम्ही इथे येऊन शिकणार आहात. धन्यवाद. दिल से बोले जो बोले क्या बात है. एक बार इनके लिए थैंक यू वेरी मच इमरान. तो सबसे पहले है यहाँ पे तन्वीर मकसूद, एक बार जोरदार क्लैप इनके लिए. कितना बोले तो तन्वीर एक दो अल्फाज बताओ, 20 दिन का सफर कैसा रहा आपका, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी सर बहुत अच्छा रहा, आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सर. अच्छा लग रहा है आज सर्टिफिकेट हाथ में लेकर, ऐसा होप है सर कि अच्छा काम करूँगा इंशाल्लाह वहाँ जाकर वापस, तो अच्छा ही लग रहा है सर. कहाँ से है वैसे? मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, जिला यवतमाल. दुकान है आपका? नहीं सर मैं फ्रेशर हूँ. फ्रेशर है, पहले से था. अभी ट्रेनिंग लिए बिल्कुल फ्रेशर थे, तो थोड़ा जाके और प्रैक्टिस करके फिर किसी के साथ बैठ के प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर अपना दुकान लगा ले सकते हैं आप. जी जी सर. ठीक है, और एक बात, 3 महीने का और टाइम रहता आपके पास, दोबारा और एक बार भी आ सकते हैं. सब लोगों के पास ऑप्शन रहता, 3 मंथ जाके जो पढ़े पहले उस पर प्रैक्टिस करके फिर उसके आगे का बढ़ना है अपने. जी सर. ठीक है, बाकी कुछ रहने खाने का कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बातें बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट की, जैसा सुना था वैसे ही हमको मिला है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं. वाह, दिल से बोल रहे हैं. जी जी सर. महाराष्ट्र से है? जी सर. अच्छा ठीक है, और कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपको देख रहे होंगे लोग, कोई आना चाहे उसको क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, मैं मराठी में बोलना चाहूँगा महाराष्ट्र के लोगों के लिए. जन कुणाला इकडे यायचं असेल तर येऊ शकता, 100% तर रिझल्ट भेटेल आपल्याला, आणि मला तर खात्री झालेली आहे आपण इथं येऊन खात्री करून जावं. ज्या कोणाला या फील्डमध्ये खात्री करायची सॉरी करिअर करायचं आहे ते येऊ शकतात इथं. जय महाराष्ट्र. वाह क्या बात, एक बार क्लैप भाई. थैंक यू वेरी मच सरफराज खादरी के लिए, जोरदार क्लैप. कांग्रेचुलेशंस. सरफराज आप उड़ीसा से है, बताओ आपका 20 दिन का सफर कैसा रहा? सर 20 दिन बहुत अच्छे से गया. आपको देख रहे होंगे उड़िया वाले भी, तो क्या बोलना चाहेंगे कोई आके आप सीखना चाह रहे हैं उनको? जी उड़िया उड़ीसा वासी की ऐसी चाहती इटी ऐसी आराम से सीखी पार हुए. मोबाइल फील्ड रे यदि कि फ्रेशर आसुची तो ये बहुत किसी जानवाक मिले. जो भाया आमर तौफिक सर पाखर सॉफ्टवेयर विषय आमर सागर सर विषय पूरा हार्डवेयर विषय मिल फिरोज सर पाखर टोटल माने बेसिक रू नहीं कि एडवांस जाए टोटल शिखा मिल बहुत किसी शिखा मिलला मत 20 दिन में कहवाक चाहिए जदि कि शिखापी इच्छुक तो फोन फिक्स हैदराबाद आसपार. प्राक्टिकल में क्या क्या काम करे आप थोड़ा बताओ? मेरे को पहले तो मैं कभी चीफ लेवल काम पे नहीं किया हूँ, नॉर्मली बेसिक काम ही किया हूँ. पहला दिन आया तो मैं नॉर्मल रिवॉल्विंग सीख गया मैं. उसके 2 दिन के बाद मैं 4G सेट को CPU निकाला फिर लगा के सक्सेस कर दिया. ऐसा तो नहीं कि गलती से लग गया ऐसा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, एक बार नहीं 2-3 बार लगाया हूँ सर. हाँ यही बात पूछना चाह रहा था मैं. एक बार तो अंदाजे में तीर अंधेरे में मार दिया तो लग जाता. एक बार नहीं सब लोग अंदाजे पे तो नहीं लगा रहे CPU? नहीं सर. कॉन्फिडेंट से खुद निकाल के लगा सकते हैं ना? नहीं ऐसा लग जा रहा क्या है कि ऑन हो जा रहा बोले, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर ऐसा नहीं है. ऐसा तो काम नहीं होता. नहीं सर. और CPU में जितने बोले सारे के सारे वो अटैच होंगे तभी सेट ऑन होता हमारा. सर वही तो यहाँ पे वही एक स्पेशल ट्रिक तो वही मिला है, जैसे एक बार में ही 1 शॉट में ही रिवॉल्व हो जाता है, 1 शॉट में ही फिक्स हो जाता है. हार्डवेयर के जो टीचर सागर सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी नहीं है हमारे बीच, थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है उनका, सब यहाँ मिस तो कर रहे हैं उनको, क्या बोलना चाहेंगे? हैंड स्किल है कुछ अलग ही रेंज के है, और अपने को जो ट्रिक बताए हैं वो भी कुछ अनोखा है, अलग ही इसका है. जैसे कि फ्रेशर कोई है तो एक ही बार में समझ जाता है, एक ही बार में. सर मैं कभी ब्लैक पेस्टेड निकाला ही नहीं था, मैं एक ही बार में ब्लैक पेस्टेड को निकाला और लगाया, पूरा प्रॉपरली सही रहा सर. उसके बाद डबल टिकर भी सर पूरा 1 शॉट में डन हो गया सर. डन करे सब बोर्ड दिए सब आपको यहाँ पे, अब जाके हैंड स्किल बना आपका, कैसा है कॉन्फिडेंट जब आए थे और आपको? सर अभी तो मेरे को अपने ऊपर बहुत भरोसा. मार्केट का तो काम करना है जाके आपको, जैसा बता रहे थे आप, तो अभी कॉन्फिडेंस है सर? बहुत काम कर सकते ना जाके? सर कर सकते. ठीक है,
एक बार इनके लिए क्लास भाई, थैंक यू वेरी मच। तुम बोलना चाह रहे हैं सर? बोला तो भाई मैं वही ओडिया में बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना भाई। जदि ओडिशावासी कहीं आसवे चाहते फनफ्लिक्स हैदराबाद आराम रु आसपारे ये रही व्यवस्था अच्छी, रही भी किसी असुविधा ना, खावापी भी असुविधा ना। ये मिनिमम 12-13 घंटा क्लास चलती, एटी प्राक्टिकल सेटर मिनिमम 4 घंटा कि 5 घंटा रोचे, आउ बाकी टाइम थ्योरी रोचे। आना कैसा ओडिशा से यहाँ तक वो भी बता दो थोड़ा। जो भाया कि भुवनेश्वर साइड रु आसुंच भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रु डायरेक्ट सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आसवे, तापर मेट्रो रे आसपारे, टैक्सी रे आसपारे, नहले बस 7 नंबर बस रोचे सेटर भी आसपारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई, कंग्रेचुलेशन, जाके काम करो अच्छे से। नेक्स्ट है थीमा रेड्डी के लिए जोरदार क्लैप्स, मैंने फोटो उसमें ले लेते, कंग्रेचुलेशन भाई। थीमा रेड्डी कर्नाटक से, आप कब से काम कर रहे थे? मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ फोन फिक्स कैसा है आप? मैं तो यूट्यूब देख के आया। अच्छा, यूट्यूब देख के कैसा रहा बिजनेस का सफर? पहले हमारे फ्रेंड भी आए थे इधर। अच्छा। उनका रेफर से भी आया, दूसरे स्टूडेंट आके गए थे, उन्होंने आपको रेफर करे जाने के लिए। तो जो सोच के आए थे मिला आपको? हाँ मिला सर। कोई आना चाहे कर्नाटक से क्या बोलना चाहेंगे? जरूर आना चाहे, सीखना बोले तो, काम करना बोले तो, लाइफ में एक रास्ते पे जाना बोले तो यहाँ जरूर आना पड़ेगा। अच्छा, अभी कहाँ पे है कर्नाटक में आपका शॉप? मेरा है शॉप मानवी में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, थोड़ा कन्नड़ा में बताओ, यहाँ का कैसा है एक्सपीरियंस आपका कन्नड़ा में? आता लैंग्वेज कन्नड़ा के? आता, यहाँ हिंदी बात करके कन्नड़ा कन्नड़ा भूल गया ऐसा हो गया नहीं भाई, अपनी लैंग्वेज मत भूलो। नहीं नहीं वैसा नहीं, एलू इले बर्री चेनागिदे इंस्टिट्यूटल ट्रेनिंगु, मत्ते ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ತೌಫಿಕ್ ಸಾರು, ಸ್ಕಿಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಫಿರೋಸ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಂತೂ ಸಾಗರ್ ಸಾರ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 0-100 ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಠೀಕ್ ಹೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಎಕ್ ಬಾರ್ ಇನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್। ಹಲೋ ಭಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇ ಹಮಾರೆ ಬರ್ಗ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್। ರವಿ ಲೋಕಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇ ಹೀ ಹೈ, ತೆಲಂಗಾಣಾ ಸೇ, ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇ। तेलुगु में बता दो सर, तेलुगु में 20 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मंचुगा सर, मंच सुपर सर, సూపర్ని సార్ ఇక్కడ ఫోన్ ఫిక్స్ హైదరాబాద్ మంచిగానే ఉంది, ఎవరైనా రావాలనుకుంటే రావచ్చు, ఇక్కడ ఫిరోజ్ సార్ ఉండు, ఫిరోజ్ సార్ది తీరి సూపర్ ఉంటుంది, సాగర్ సార్ ఎక్సలెంట్, మళ్ళా మన తౌఫిక్ సార్ది కూడా సూపర్ ఉంటుంది, ఎవరైనా రావాలనుకుంటే ఆరామ్సే వచ్చి నేర్చుకోవచ్చు, 100 లెవెల్లో మంచిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ, సూపర్గా ఉంటుంది, రావచ్చు ఎవరైనా కూడా। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, దీనికెళ్ళి క్లాప్స్ కరోతా। नेक्स्ट है वरुण कन्नौजिया गुजरात से, आदो भाई जोरदार क्लैप, कांग्रेचुलेशंस। तो वरुण आप गुजरात से है, 20 दिन का सफर कैसा रहा आपका बताइए? जो मैं सोच के आया था उससे कहीं ज्यादा मिला है मेरे को, और जो टॉपिक सर का सॉफ्टवेयर पढ़ाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं पहले भी एक क्लास में गया था, उधर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों सीखा था, तो हाँ सॉफ्टवेयर में तो मुझे 6 बार मैं गया तो भी मुझे उन लोगों ने डाटा नहीं दिया, और बोला था कि मैं सब आपको करके दूंगा ऐसा। बहुत सारे हमारे उधर भी क्लास है पर वो लोग बोलते हैं, पर वो इतना अब जाने के बाद इतना अपने पर ध्यान नहीं देते। और फिर मैंने फोन फिक्स हैदराबाद देखा, 6 महीने से मैं देख रहा था उनका रिव्यू और सब अच्छा लगा, और हैंडसेट भी देते हैं, 2 ब्लैक पेस्टर, 2 व्हाइट पेस्टर, 1 डबल डेकर, फिर इसके लिए फिर मैं हैदराबाद आ गया। एक लाइव ऑन डबल डेकर भी बनाए आप? जी सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ गया है सर। थोड़ा गुजराती में बोलो सो। आओ है तो आई जाओ, 20 दिवस क्लास है, और जे आप सोच विचारी आइए छे ये अपने प्रॉपर मले छे, और जो सर बनावे छे एकदम कम्प्लीट तरीके। गुजरात में कहाँ से आप? गुजरात में मैं बड़ोदा जिला है, और उसमें छोटा गांव है उसका नाम पोर है।
अच्छा पवार से। तो गुजरात में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली वगैरह में भी है, मुंबई है, यहाँ क्या अलग दिखा आपको? वाला को 6 महीने से मैं देख रहा था, सब स्टूडेंट का रिव्यू भी बहुत अच्छा था, इसके लिए फिर सर इधर आ गए और सब लाइव में वीडियो भी मैं सर देख रहा हूँ। घर में आपके देखते होंगे आप काम कर रहे हो? जी सर। क्या बोलते? कुछ नहीं, तो लोग भी खुश है। खुश होते देख के काम करने है। तो ये बहुत कम एज के है, अभी 18 साल इंटर करें, बहुत बड़ी बात है। इतनी एज में तो बच्चे खेलते खुदते रहते, इनको एक फील्ड मिल गई और इतनी दूर अकेले आगे हुए और घर वाले भी भिजा रहे हैं इनको, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जो बच्चे बैठ के सोच रहे हैं कि अपने घर के आसपास ढूंढते रहते हैं कि कहीं पे सीख लें, तो ये सीखने के लिए गुजरात से हैदराबाद भी आ गए, तो इनके लिए एक बार जोरदार क्लास कर दो भाई। कंग्रेचुलेशन भाई।